हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको यूपी पुलिस 2023 के लिए इतिहास पढ़ा रहा हूं। और दोस्त, इतिहास में हम 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्त, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था पाषाण काल, उसके बाद हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, और ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाले जितने भी अवशेष थे उनके बारे में हमने वहां से अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त की है। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य की भी हमारी पहली वीडियो आ चुकी थी, जिसमें हमने आर्यों के बारे में पढ़ा था। आर्य किस प्रकार से भारत में आए, उनके बारे में जितने भी इंपोर्टेंट तथ्य थे वो हमने सब इसमें कवर कर लिए थे। दोस्त, जो हमारा वैदिक साहित्य है वो हमने पहले पढ़ा था नदियों तक, ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम, ठीक है, वहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। दोस्त, वहां से हमारे थोड़े से पॉइंट बच चुके हैं और दोस्त उनको हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे इसमें वेद और वेदांग के बारे में। वेद और वेदांग से मतलब है आपका कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीनों वेदों से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक पॉइंट पर अच्छी तरीके से नजर डालेंगे। तो दोस्त, वीडियो तक बने रहना है, और दोस्त आपको चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है दोस्त। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, जो हमारा वैदिक साहित्य है, मैंने आपको बताया एक वीडियो हो चुकी है। देखिए, जो हमारा वैदिक साहित्य है, आगे हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है उपनिषद। उपनिषद को हम क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। दोस्त, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 108। कितने हैं उपनिषद, क्वेश्चन पूछा गया है उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। जो हमारे 4 + 2 + 102 है, कैसे है, 4 + 2 + 102 है, ठीक है दोस्त, कैसे है। देखिए, जो हमारे 4 उपनिषद हैं वो केवल गद्य में है, किसमें है, केवल गद्य में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे 4 उपनिषद किसमें है, जो केवल गद्य में है, और कौन कौन से हैं, कंठ, ईश, श्वेतांबर और मैत्रेयी। क्या है, ध्यान से देखिए, कंठ, ईश, श्वेतांबर और मैत्रेयी, ये हमारे जो 4 है ये केवल किसमें है, केवल गद्य में है। और दोस्त, जो हमारे 2 उपनिषद हैं वो किसमें है, गद्य और पद दोनों में है। कौन कौन से हैं, प्रसन्न और केन। और दोस्त, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो रचना गद्य और पद दोनों में होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं जो रचना गद और पद दोनों में लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चंपू काव्य कहते हैं, ठीक है दोस्त। और जो हमारे 102 उपनिषद है वो क्या है, वो केवल पद में है, किसमें है, पद में है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद, देखिए यहां पर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बृहदारण्यक। क्या होता, बृहदारण्यक उपनिषद क्या है, हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है, ठीक है दोस्त। और दोस्त, जो हमारा ये बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें क्या बताया गया है, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किसमें बताया गया है, तो आप बताएंगे बृहदारण्यक, जो कि हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है, ठीक है दोस्त, भूलेंगे तो नहीं, नहीं भूलेंगे, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा कि तमसो मा ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है, ये भी अलाइन आपका कहां से ली गई है, ये भी आपकी बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है दोस्त। और दोस्त, जैसे हम शब्द बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम, आप भी एक बार बोलिएगा, जैसे हम बोलते हैं ओम, ये जो शब्द है ये भी हमारा कहां से लिया गया है, ये भी हमारा बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है दोस्त। ये 3-4 क्वेश्चन बृहदारण्यक उपनिषद से पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात हो गई सबसे बड़े उपनिषद की, ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं सबसे छोटे उपनिषद के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, वो है आपका मांडुक्य उपनिषद। कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद है। और दोस्त, आपसे पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते, क्या पूछा जाता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और दोस्त, आपसे पूछा जाएगा कि यम नचिकेता संवाद, ध्यान से देखिए, यम नचिकेता संवाद कहां से लिया गया है, ये है आपका कंठोपनिषद। कहां से, कंठोपनिषद में क्या बताया गया है, यम नचिकेता संवाद के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्त, और दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू धर्म में या
कह सकते हैं हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कितनी है? तो हमारे हिंदू धर्म में कौन से हैं 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्त, ये था हमारा थोड़ा सा वैदिक साहित्य जो हमारे पीछे बचा हुआ था। जो हमारा आज का टॉपिक है वो शुरू होता है अब, यानी कि वेद और वेदांग। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहां से जितने भी इंपोर्टेंट तथ्य बनते हैं उनके बारे में हम करने वाले हैं। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। देखिए पॉइंट है हमारा वेद और वेदांग। ठीक है दोस्त, और दोस्त जो हमारे ये वेद होते हैं, वेदों को क्या कहा गया है? वेदों को अपुरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदों को अपुरुषेय कहा गया है। और दोस्त इसके संकलनकर्ता यानी कि वेदों के जो रचनाकार है वो कौन है? कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी हैं। कौन है? कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्त जो हमारे वेद हैं मैंने आपको बताया है कितने हैं? 4 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? कितनी है अपने मन में बोलिएगा, कितनी है? 4 है। 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। कौन से हैं? आपके आपके चारों स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, एक बार आप रिवाइज कीजिएगा। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। ठीक है जी, ये आपके क्या है? 4 वेद हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में, यहां से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो हमारा पहला वेद है वो है आपका ऋग्वेद। देखिए जो हमारा पहला वेद है वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए। देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगर बात करें अष्टक की, अष्टक का मतलब वैसे होता है क्या? 8 ही होता है। ठीक है, अगर आपसे ऋग्वेद में पूछा जाए अष्टक कितने होंगे तो कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है जी, और अगर बात करें सूक्त की, सूक्त सूक्त क्या होता है देखिए, अगर बात करें सूक्त की, सूक्त में कितने होंगे? 1028 सूक्त होंगे। 1028 कैसे होंगे? 1017 प्लस 11। ठीक है जी, जो हमारे 1017 हो गए इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं खिल। क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। और दोस्त जो हमारे 11 हैं इनको हम कहते हैं वालखिल्य। क्या कहते हैं? वाल खिल्य। इंपोर्टेंट शब्दावली है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, और अगर बात करें ऋचाई की, ऋचाई क्या होती है? ऋचाई होती है रचनाएं। क्या होती है? रचनाएं होती है। कितनी है? 10,562 है। अगर बात करें शब्दों की, शब्द कितने हैं? 1.5 लाख, या कह सकते हैं 1.50 लाख। ठीक है जी, इंपोर्टेंट इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करें ऋग्वेद को पढ़ने वाला, यानी कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आप याद रखेंगे। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्रिया होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्रिया होता कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस में है? 3रे मंडल में है। और दोस्त जो हमारे ये गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है? ये हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। और दोस्त जो हमारे गायत्री मंत्र है इनका जो रचना है किसने की है? इनकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है तो आप इनको दिमाग में छाप के रखिएगा। चलिए ये तो हो गई हमारे 3रे मंडल के बारे में बात। अगर बात करें चौथे मंडल के बारे में, चौथे मंडल में क्या बताया गया है? चौथे मंडल में बताया गया है कृषि को। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का जिक्र है? तो आपका आंसर क्या होगा? चौथा मंडल। ठीक है जी, चलिए ये तो बात हो गई हमारे चौथे मंडल तक की। अब आगे इंपोर्टेंट आता है ऋग्वेद का 7वां मंडल। कौन सा मंडल है? ऋग्वेद का 7वां मंडल। 7वें मंडल में क्या बताया गया है? दशराज्य युद्ध के बारे में। किसमें बताया गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और दोस्त जो ये दशराज्य युद्ध है 10 राजाओं के बीच हुआ था और इनमें विजयी कौन हुआ था? राजा सुदास हुए थे। कौन हुए थे? राजा सुदास इसमें विजयी हुए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दशराज्य युद्ध में कौन विजय हुए थे या किसकी युद्ध में विजय हुई थी? तो आप याद रखेंगे राजा सुदास जी थे। ठीक है दोस्त, अगर बात करें 8वें मंडल में, 8वें मंडल में क्या पूछा जाता है? 8वें मंडल में पूछा जाता है हस्तलिखित रचनाओं के बारे में। हस्तलिखित रचनाएं क्या होती है? जैसे जो रचनाएं हाथ के द्वारा लिखी जाती है उनको हम क्या कहते हैं? हस्तलिखित रचनाएं कहते हैं। ठीक है, तो इनका जिक्र किसमें मिलता है? 8वें मंडल में मिलता है।
ठीक है दोस्त, आगे बढ़िए। आगे हमारा जो मंडल आता है वो आता है नौवा मंडल। नौवे मंडल में क्या बताया गया है? नौवे मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। दोस्त जितने भी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं एकदम पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल दिमाग में छाप के जाना है, ठीक है जी। देखिए अगर बात करें दसवें मंडल की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ऋग्वेद के दसवें मंडल में क्या बताया गया है? जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? ऋग्वेद के दसवें मंडल में। क्या? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था को ही क्या कहते हैं हम? चतुस्वर्ण व्यवस्था कहते हैं। और दोस्त जो हमारी ये चतुस्वर्ण व्यवस्था है किसमें बताई गई है? ये बताई गई है आपकी पुरुषोक्त में। किसमें बताई गई है? पुरुषोक्त में बताई गई है। इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा। और दोस्त जो हमारी ये जाति व्यवस्था थी जो दसवें मंडल में बताई गई है, ये कितने प्रकार की थी? ये हमारी चार वर्णों में विभाजित थी। सॉरी, चार वर्णों में क्या थी? ये जाति व्यवस्था विभाजित थी। चार वर्णों में कैसे? देखिए इसमें जो हमारा पहला वर्ण था वो क्या था? ब्राह्मण। कौन था? इसमें हमारा पहला वर्ण था ब्राह्मण। और दोस्त ब्राह्मण किसको कहते थे? जो शिक्षा का कार्य करते थे, यानी कि जो कॉलेजों में अध्ययन का कार्य कराते थे, वे कौन कहलाते थे? वे आपके ब्राह्मण कहलाते थे, ठीक है जी। और अगर बात करें क्षत्रिय की, क्षत्रिय कौन होते थे? जो रक्षा का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? रक्षा का कार्य करते हैं। उनको किस में रखा गया था? उनको क्षत्रिय में रखा गया था। और वेश्या किन्हें कहा जाता था? जो व्यापार करते हैं, जो व्यापार करते हैं उनको क्या रखा गया था? वेश्या की श्रेणी में रखा गया था। और दोस्त अगर बात करें शूद्र की, जो हमारा चौथा वर्ण है, इसमें किनको रखा गया था? इनमें जो कारीगर होते थे उस टाइम के, और जो सेवा करने वाले लोग थे, जो सेवा करने वाले लोग थे और कारीगर थे, वे किस वर्ण में रखे गए थे? वे आपके शूद्र में रखे गए थे। चलिए दोस्त आगे यहां से पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये है आपका आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद है। क्या है आयुर्वेद? आपका ऋग्वेद का उपवेद है। सॉरी, ऋग्वेद का उपवेद क्या है आपका? ये आपका आयुर्वेद है। इंपोर्टेंट याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार क्या है आयुर्वेद? किसका उपवेद है? ये है आपका अथर्ववेद का उपवेद। इंपोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। और दोस्त मैंने आपको वैदिक साहित्य की पहली वीडियो में ही बताया था कि जो हमारा ऋग्वेद है उसकी रचना किसमें हुई है? उसकी रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है। तो दोस्त देखिए ये पॉइंट है आपका यहाँ पर, ऋग्वेद की रचना हुई है पूर्व वैदिक काल में, ठीक है दोस्त। यहां तक तो जो हमारा था वो पूर्व वैदिक काल चल रहा था, क्योंकि हमने पढ़ा है केवल ऋग्वेद के बारे में। और जो हमारे अब शेष तीनों वेद बचे हुए हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो यहां से हमारा शुरू होता है उत्तर वैदिक काल, यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड। क्या है? पोस्ट वैदिक पीरियड। चलिए जी इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जो हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड है या उत्तर वैदिक काल है, ठीक है जी, इसमें मैंने आपको बताया है शेष जो हमारे तीन वेद बचे हैं उनकी रचना हुई थी। देखिए और जो हमारे तीनों वेद है इनको कहा गया है वेदत्रयी, या कह सकते हैं इनको कहा गया है त्रयी। क्या कहा गया है? त्रयी। किन किन को? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि त्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता? ऋग्वेद नहीं आता, ठीक है जी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, इसका आंसर आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्त। मैं आपका कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आपके आंसर का, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद किस प्रकार से पूछा जाता है? देखिए यहां से आपसे पूछा जाएगा कि संगीत का जनक क्या है? संगीत का जनक कौन सा वेद माना जाता है? संगीत यानी कि म्यूजिक, म्यूजिक का जो जनक है वो माना जाता है सामवेद, ठीक है दोस्त। और दोस्त आपसे पूछा जाएगा कि स्वरों का पहली बार प्रयोग किस वेद में किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? सामवेद, यानी कि इसी में क्या हुआ? इसी में स्वरों का पहली बार प्रयोग किया गया। और दोस्त इस सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गारतिया, उद्गाता कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्रिया, होता कहा जाता है। इसी प्रकार से इसे भी जो पढ़ेगा उसको क्या कहा जाएगा? उद्गारतिया, उद्गाता कहा जाएगा, ठीक है दोस्त। और दोस्त इसका उपवेद क्या है? उपवेद क्या है इसका? गंधर्व वेद। और दोस्त इसकी रचना किसने की है? आचार्य भरत मुनि जी ने करी है। इंपोर्टेंट नोट रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए ये तो बात हो गई हमारे सामवेद के बारे में। अब बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं?
आ जाइए, कर लीजिएगा। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि यज्ञ और कर्म कांड के बारे में किसमें बताया गया है। जैसे हम अपने घरों में हवन कराते हैं, हवन प्रक्रिया जितने भी बड़े बड़े यज्ञ होंगे उनमें कैसे कैसे प्रोसेस होगा, सब कुछ किसमें बताया गया है, यह बताया गया है आपका यजुर्वेद में। किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है यज्ञ और कर्म कांड के बारे में दोस्त। और दोस्त यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। देखिए क्या क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। ठीक है दोस्त। और दोस्त मैंने आपको पीछे बताया है जो रचना गद और पद में लिखी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है दोस्त, यहां पर लिखा हुआ है चंपू काव्य। ठीक है जी। अगर बात करें इसके उपवेद की, देखिए आपका यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। और दोस्त इसकी रचना किसने करी है, ऋषि विश्वामित्र ने की है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाऊं। चलिए आगे जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद से क्या पूछा जाता है, देखिए अथर्ववेद क्या है, ये है आपका सबसे नया वेद, यानी कि सबसे लेटेस्ट वेद कौन सा है, वो है आपका अथर्ववेद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो कौन सा है, कौन सा, अथर्ववेद। ठीक है जी। आगे इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें जादू टोना वशीकरण औषधि के बारे में किसमें पूछा गया है, सॉरी किसमें बताया गया है, औषधि के बारे में किस वेद में बताया गया है, या औषधि के बारे में हमें किस वेद से जानकारी मिलती है, ये मिलती है हमें अथर्ववेद से। ठीक है जी। और जो हमारा जादू टोना होता है, वशीकरण होता है, भूत प्रेत जितने भी होते हैं, ये किस में बताए गए हैं, ये हमारे अथर्ववेद में बताए गए हैं। और दोस्त अगर बात करें इसके पढ़ने वाले की, इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है। किसको पढ़ने वाला, अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है दोस्त। अगर बात करें इसके उपवेद की, इसका उपवेद कौन सा है, वो है आपका शिल्पवेद। ठीक है जी, कौन सा है, शिल्पवेद है। अगर बात करें इसी संकलनकर्ता की, संकलनकर्ता का मतलब है इसको किसने बनाया, इसको बनाया हमारे आचार्य ऋषि विश्वामित्र जी ने। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट इतने आप याद रखेंगे। ठीक है जी। यहां पर हमारे जो वेद है वो होते हैं समाप्त। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, देखिए जो हमारे ये चारों वेद थे इनको सरल भाषा में समझने के लिए क्या बनाए गए, इनके ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। ठीक है, तो किस वेद के क्या क्या ब्राह्मण ग्रंथ है वो आप देखिए। देखिए मैंने आपको बताया है ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है, या ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है जी। और ब्राह्मण ग्रंथ को ही क्या कहा गया है, वेदों की टीका कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि वेदों की टीका किसे कहा जाता है, वेदों की टीका ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है। ठीक है जी। अगर बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, यानी कि ऋग्वेद को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ बनाया गया, यह है आपका ऐतरेय। कौन सा है, ऐतरेय है। और दोस्त सामवेद को समझने के लिए क्या बनाए गए, पंचविश बनाए गए, षड्विश बनाए गए और जैमिनी है। ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है जी। और बात करते हैं यजुर्वेद की, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, देखिए पहले आप ये समझिए जो हमारा यजुर्वेद है वो क्या हुआ था, दो शाखाओं में बट चुका था। तो जब दो शाखाओं में बट चुका था तो ब्राह्मण ग्रंथ भी दो होंगे। ठीक है, तो देखिए पहली जो शाखा थी वो थी कृष्ण शाखा। ठीक है, दूसरी थी आपकी शुक्ल शाखा। कौन सी थी, पहली कृष्ण शाखा, दूसरी थी शुक्ल शाखा। ठीक है जी। और कृष्ण शाखा का जो हमारा ग्रंथ है वो क्या था, तैतरेय। ठीक है जी। और शुक्ल शाखा का जो ग्रंथ था वो था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिमाग में छाप के जाइएगा। ठीक है जी। अगर बात करें हम अथर्ववेद की, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपत ब्राह्मण। क्या है, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, अथर्ववेद का आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है दोस्त। यहां से जो हमारे वेद थे वे कंप्लीट होते हैं। तो दोस्त थोड़ा सा जो है धैर्य की सांस लीजिएगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा आपका क्या, वेदांग। क्या है, वेदांग। वेदांग से यहाँ से थोड़ा सा एकदम छोटा सा पॉइंट है, आप इसको भी समझ के जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए अगर बात करें वेदांग की, वेदांग कितने हैं हमारे, वेदांग है हमारे छह। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या दोस्त है छह। ठीक है जी। कौन कौन से हैं, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष और आपका व्याकरण। ठीक है, व्याकरण से आप एक शब्द रखिएगा, वैयाकरण।
क्या है? वैयाकरण। वैयाकरण क्या होता है? व्याकरण को जानने वाला, ठीक है। क्या होता है? वैयाकरण होता है। और हमारे पहले वैयाकरण कौन थे, क्वेश्चन पूछा जाता है, वह है हमारे आचार्य पणिनि जी। कौन है? पणिनि जी है। और पणिनि जी जो है आपका एक पुस्तक लिखी थी, अष्टाध्यायी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाती है, आपसे पूछा जाएगा कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, वो है आपका पणिनि जी, ठीक है जी। आगे बात करें रामायण की। देखिए रामायण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामायण का अनुवाद किस भाषा से किसने किया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रामायण का संस्कृत में अनुवाद किसने किया, तो वाल्मीकि जी ने किया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन 100% छपता है, ठीक है। आपका चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां से क्वेश्चन छपने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है जी। देखिए अगर बात करें अवधी भाषा में, अवधी भाषा में जो है रामायण का जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ठीक है जी। अगर बात करें तमिल में, तमिल में किसने किया था? कंबन ने किया था। और फारसी भाषा में जो है रामायण का अनुवाद किया था? बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने किया था। और बंगला भाषा में जो है कृतवास ने किया था। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आरटीएच ग्रिफिथ ने। छाप के जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। और दोस्त जो हमारा महाभारत है, आपने सुना होगा महाभारत के बारे में। महाभारत को क्या कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है जय संहिता। क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि महाभारत को क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं हम पुराण के बारे में, क्योंकि हमने वेदांगों के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पुराण। पुराण कितने हैं हमारे? पुराण होते हैं हमारे 18। हिंदू धर्म में कितने पुराण बताए गए हैं? 18 बताए गए हैं। और दोस्त आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और दोस्त जो हमारे मत्स्य पुराण है ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है आपका सातवाहन वंश के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया है कि सातवाहन वंश के बारे में कौन सा पुराण बताता है? मत्स्य पुराण बताता है, ठीक है दोस्त। और दोस्त आपसे पूछा जाएगा कि भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार है। कितने हैं? 10 अवतार है। और दोस्त जैसे आपका ये मत्स्य पुराण है ये किसके बारे में बताता है? सातवाहन वंश के बारे में बताता है। ठीक उसी प्रकार से आपका विष्णु पुराण किसके बारे में बताता है? मौर्य वंश के बारे में बताता है। कौन सा पुराण बताता है? विष्णु पुराण। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में बताता है। और दोस्त अगर बात करें वायु पुराण की, वायु पुराण जो है गुप्त वंश के बारे में बताता है, ठीक है जी। और दोस्त भगवत पुराण, भगवत पुराण किसके बारे में बताता है? कृष्ण भक्ति के बारे में बताता है। किसके बारे में? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृष्ण भक्ति के बारे में कौन सा पुराण बताता है? ये बताता है आपका भागवत पुराण, ठीक है जी। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदू धर्म में कितने आश्रम बताए गए हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे आश्रम है वो कितने हैं? 4 है। चार आश्रम। यानी कि इन्होंने क्या माना है? इन्होंने एक व्यक्ति की उम्र को जो है 100 वर्ष माना है, ठीक है। 100 वर्ष को जो है इन्होंने आपका आश्रमों में विभाजित किया है, ठीक है जी। और दोस्तों जो हमारे 4 आश्रम है किसमें बताए गए हैं? ज्वालो उपनिषद में बताए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? ज्वालो उपनिषद होगा, ठीक है जी। देखिए जो हमारे 4 आश्रम है इनमें जो हमारा पहला आश्रम है वो क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की जो इन्होंने समय सीमा मानी है वो क्या मानी है? जो भी 0 वर्ष से लगाकर 25 वर्ष तक होगा वो किसका पालन करेगा? ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ठीक है जी। और दूसरा हमारा क्या है? गृहस्थ। यानी कि 25 के बाद 50 वर्ष तक व्यक्ति किसका पालन करेगा? गृहस्थ जीवन का जो है पालन करेगा, ठीक है जी। और वानप्रस्थ यानी कि वन को जाना, 50 से 75 वर्ष की उम्र तक हो जाने पर आदमी क्या करेगा? मानव क्या करेगा? वो आपका वन को चला जाएगा, ठीक है जी। और चौथा हमारा क्या बताया गया है आश्रम? ये बताया गया है संन्यास। क्या बताया गया है? संन्यास। यानी कि 75 वर्ष से 100 वर्ष की अवस्था में मनुष्य क्या करेगा? संन्यास कर लेगा, यानी कि इस सभी मोहमाया को छोड़ देगा, एक सन्यासी का रूप धारण कर लेगा, ठीक है दोस्त। समझ में आया। और अगर बात करें पुराणों के रचयिता के बारे में, यानी कि ये जो हमारे 18 पुराण हैं, ये किन्ने लिखे हैं, किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रसर्वा। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आपका पुराणों का क्या किया है? संकलन किया है या पुराणों को रचा है, ठीक है दोस्त। ये था हमारा आपका क्या
ये था आपका वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्त, कंप्लीट तरीके से हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं बचने वाला है। तो दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको ध्यान रखना है और पढ़ते रहना है। और दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।